किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको मूंगफली में लगने वाले रोग, अगेती दब्बा रोग जिसे टिक्का रोग और अर्ली लीफ स्पॉट भी कहते हैं, वीडियो को पूरा देखने पर आप रोग को पहचान पाएंगे। आवश्यक उपचार हेतु इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इस रोग के लक्षण में देखने में आता है कि पत्तियों के ऊपर भूरे गोल धब्बों के चारों ओर पीले रंग का चमकीला घेरा या रिंग बनती है। पत्ती की ऊपरी सतह पर स्पोरुलेशन बनता है जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगेती पत्ती धब्बा रोग में स्पोरुलेशन पत्ती के ऊपरी सतह पर, जबकि पचेती धब्बा रोग में स्पोरुलेशन पत्तियों के निचले सतह पर बनता है। ये धब्बे कोई निश्चित आकार में नहीं होते हैं, इनका आकार 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक हो सकता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर बनने वाले धब्बे हल्के लाल भूरे से काले रंग के होते हुए दिखाई देते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर बनने वाले धब्बे हल्के भूरे रंग के होते हैं। आइए देखते हैं इनका उपचार। प्रोपिकोनाजोल 25 EC.1% या हेक्साकोनाजोल 5% 1 मिलीलीटर को प्रति 1 लीटर पानी में, या टैबुकोनाजोल 25.9% को 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी, या कार्बेंडाजिम 50 WP को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, या मैनकोजेब 75 WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या जाइनेप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं। इस घोल को 500 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करें। चेहरे पर मास्क लगाएं और हाथों में ग्लोव्स पहनें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।